खबर गाजीपुर जनपद से, जहां कोतवाली भुरकुरा अंतर्गत सिद्धपीठ हथियाराम पुलिस चौकी का लोकार्पण जिलाधिकारी आरिका अखौरे और पुलिस अधीक्षक ओमबीर सिंह द्वारा किया गया। कोतवाली भुरकुरा थाना क्षेत्र में आज दूसरी पुलिस चौकी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिद्धपीठ हथियाराम मठ के महंत भवानी नंदन यति महाराज के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ महाराज द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। पुलिस चौकी का लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आरिका अखौरे ने कहा कि मऊ आजमगढ़ जनपद की सीमा पुलिस चौकी के निर्माण से क्षेत्र में हो रहे अपराध पर नियंत्रण होगा। लोगों की समस्याओं का निस्तारण अब चौकी से ही हो जाएगा। लोगों को अनावश्यक 10 से 12 किलोमीटर दूर थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने महाविद्यालय की छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज छात्राएं किसी से कम नहीं है, मगर मन लगाकर कोई भी कार्य करें सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओमवीर सिंह ने आज के परिवेश में साइबर क्राइम और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, लोगों को इन दोनों चीज से बचने की जरूरत है। तकनीकी युग में जहां मोबाइल और तकनीकी सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं इसके दुष्परिणाम भी दिखाई दे रहे। यातायात नियमों ने लोगों को मोटरसाइकिल पर दो सवारी ही चलने के लिए कहा और महिलाओं से कहा कि वह भी गाड़ी पर हेलमेट जरूर पहनकर बैठे। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम की घटनाएं होती है तो वह तत्काल 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा सके। पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र प्रसाद ने लोगों से अपील की कि वे छोटे मोटे मामले ग्राम स्तर पर ही सुलझा लें। अगर कहीं कोई जमीन विवाद है तो उसके लिए नाजायज पुलिस के चक्कर में न पड़ते हुए राजस्व विभाग से अपना सीमांकन कराएं और विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दें। क्षेत्राधिकारी भुरकुरा रविंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि पुलिस अब लोगों के सहयोग के लिए जगह जगह चौकियों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वे अपनी समस्याओं का निस्तारण अपने नजदीक ही करा सके। कार्यक्रम के बाद कन्या महाविद्यालय हथियारा में छात्राओं को जिलाधिकारी द्वारा टेबलेट वितरण किया गया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी आशुतोष श्रीवास्तव, तहसीलदार जखनिया सहित सर्किल के सभी थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य रत्नाकर ने आए हुए लोगों का आभार प्रकट किया। आप सभी एक बार अपने कर्तव्य से तालियां बजा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। देखते नीचे करा इसको सुशील सुरक्षित कर दी भाई, तो पानी को फूल पत्ती है तो इसको पकड़ो मजबूती से, तो मजबूती से हाथ में उठा के बाद में इसको हटा दे ऊपर आ जाए। पूजनीय महाराज जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद गाजीपुर की जिलाधिकारी महोदया, मेरे पुलिस के सहयोगी अधिकारीगण, अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बहनों भाइयों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, धीरे धीरे जैसे समाज का क्रमिक विकास हुआ है, वैसे वैसे पुलिस की भूमिका भी समाज में बदली है। पहले पुलिस को बड़े इस रूप में देखा जाता था कि कालांतर में बदलते रहे, पहले मित्र के रूप में, फिर पुलिस की आलोचनाएं शुरू हुई। शायद वो आलोचनाओं का कारण कभी कभी पुलिस का जो व्यवहार होता है पब्लिक के प्रति, उसके कारण आलोचनाओं का भी शिकार, और ये एक स्वस्थ परंपरा भी है। अगर कोई गलत करता तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, वो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठा हुआ आदमी हो या जन सामान्य के रूप में। लेकिन पुलिस की जितनी भी उपलब्धियां हैं उन्हें नहीं नकारा जा सकता। पहले पुलिस को केवल एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले 15-20 साल में पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट माना जाने लगा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से आधारभूत सुविधाओं का हम विकास